आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस हार के कारण तलाश रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी पर ज्यादा सख्ती बरती है और रोना कांग्रेस रो रही है। शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े करते आई है। कांग्रेस को पता है कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए हार का टीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं। शिवराज ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। यह संभव नहीं कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की जा सके। शिवराज ने यह भी कहा कि कांग्रेस में जो प्रत्याशी नहीं है वो भी स्ट्रांग रूम में जाने को तैयार हैं। मित्रों, कांग्रेस मतदान के दिन से ही अनर्गल प्रलाप कर रही है। वोटिंग के दिन 3 बजे ही श्रीमान ज्योतिरादित्य जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। मतदान के दिन भी और उसके बाद एक अभियान छेड़ा कांग्रेस ने, ईवीएम में गड़बड़ी का। मुझे समझ में नहीं आता, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह का कोई कारण नहीं है, लेकिन आसन्न पराजय से बौखलाकर हार का ठीकरा और किसी के माथे ना फूटे, ईवीएम के माथे पर फोड़ा जाए और ये अनेकों तरह के अनर्गल आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार में कुछ जरूरी कार्य होते हैं जिन्हें सरकार आचार संहिता का बहाना लेकर जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती। उन्होंने जीका वायरस, डेंगू जैसी बीमारियों और कृषि के कुछ विशेष और महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर ये बात कही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।